सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार के पहले दिन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। कोरोना गाइडलाइन के बीच भोले के भक्त मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक भगवान शंकर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर भोलेनाथ की जा रही है। सावन की शुरुआत कल से हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है, जिसके चलते शिवालयों में शिव नाम की गूंज है। कोरोना नियमों के गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन भक्तों की भारी भीड़ भी आप इस वक्त मंदिर में देख सकते हैं। भोलेनाथ का दरबार सज चुका है। सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस पवित्र महीने में जो सोमवार का दिन होता है वो सबसे खास महत्व रखता है। इसलिए आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार, जिसके चलते उज्जैन की तस्वीर आप देखिए। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना हालांकि हमेशा ही पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, लेकिन आज का दिन और ख़ास हो जाता है। विशेष श्रृंगार यहाँ पर बाबा के किए जाते हैं। भोले का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से भी आप देखिए, भक्ति से लबालब सराबोर ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है। उज्जैन की खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है और यही वजह है कि दूर दराज से लोग उज्जैन विशेष तौर पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। विधि विधान के साथ देखिए किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। गंगा जल, दूध, फूल, बेलपत्र, धतूरे से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार आज है, सावन का पहला सोमवार। भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में इस वक्त उमड़ी हुई है। तो भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हर जगह की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर उस मंदिर की तस्वीर जहां बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में उत्साह है, जोश है। हालांकि कोरोना के चलते नियमों का पालन करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। गाज़ियाबाद से हिमांशु हमारे सहयोगी मौजूद है। हिमांशु, चाहेंगे आप तस्वीरें यहां पर ज़रूर दिखाइए, ताकि घर बैठे हमारे दर्शक भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके और देख सके कि आखिर क्या कुछ रौनक इस वक्त भोलेनाथ के मंदिर में नज़र आ रही है। देखिए, जैसे ही सावन का आज पहला सोमवार पड़ा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं, कितनी बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहां पहुंचे हैं। हजारों की संख्या के अंदर फिलहाल मंदिर का जो प्रांगण है वहां पर शिव भक्त बने हुए हैं और बाहर भी लंबी कतार मंदिर के लगी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर तैनात किया गया है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में वो पॉसिबल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए, बिल्कुल भी कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि मास्क जरूर सभी ने यहाँ पर लगाया हुआ है। महिलाएँ देखिए बड़ी संख्या में पहुँची हैं और मंदिर के अंदर के दर्शन कराने की भी कोशिश करेंगे। अपने बीजी से कहूँगा सावधानी पूर्वक नीचे उतरें और अंदर के दर्शन आपको कराएं। ये मंदिर का जो गर्भगृह है यहाँ जाता है और यहाँ पर भी दो कतारें बनाई गई हैं, अंदर ले जाया जा रहा है बाबा के दर्शन कराने के लिए। और सावन शिव का प्रिय महीना है और ऐसे में आज पहला सोमवार है। जो कांवड़िए कांवड़ लेने नहीं जा पाए हैं, दरअसल वो भी सावन के सोमवार पर आज यहाँ पहुँचे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। गर्भगृह के दर्शन आप सीधे कर सकते हैं। घर बैठे जो श्रद्धालु न्यूज़ नेशन देख रहे हैं वो सीधे तौर पर दर्शन कर सकते हैं बाबा के दुधेश्वरनाथ। बाबा के यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं और ये मान्यता है जो भी सच्चे मन से भगवान से यहाँ पूजा करता है, भोले शंकर से अपनी मनोकामना मांगता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना का जरूर पूरा करते हैं। महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की बताएंगे।
कुछ मैं नहीं हूँ। कहाँ से आप आए? मेरठ से। मेरठ से आए, ये देखिए मेरठ से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़ी भीड़ जो है भक्तों की वो अंदर देखी जा रही है। अंदर जाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। दिल्ली NCR का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है बाबा का, और इसी आस्था के साथ श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए सभी के हाथ में जल है, भांग, धतूरा, बेलपत्थर, जो बाबा को पसंद है यानी शिव शंकर को जो पसंद है, भोलेनाथ को पसंद है, वो लेकर अर्पित करने के लिए अंदर पहुँच रहे हैं श्रद्धालु। और बड़ी संख्या में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो गाज़ियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुँच रहे हैं। अभी जो बताई जा रही है जो लाइन है, जो कतार है, वो कई किलोमीटर लंबी पहुँच चुकी है। और सीधी तस्वीरें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु मास्क जरूर लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। अगर यहाँ से हम मंदिर का नज़ारा आपको दिखाएं प्रांगण का, तो आप देखेंगे कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में अंदर परिसर में ही हजारों भक्त फिलहाल पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है प्रोटोकॉल का पालन कराने की। यहीं से मैं चाहूँगा एक बार VJ पैन करके आपको सारी तस्वीरें दिखाएं। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यूटर्न करके सबको अंदर लाया जा रहा है, और बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर यहाँ पर इस बार मैनेजमेंट इतना अच्छा हो नहीं पाया, और संख्या जो थी वो बेहद ज़्यादा है। शायद इतना अंदाज़ा ना लगाया गया हो कि इतनी बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन आस्था सब पर भारी है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और बड़ी संख्या के अंदर फिलहाल श्रद्धालु जो है गाज़ियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आपके जरिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर यहाँ पर भक्तों की नज़र आ रही है। लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी हैं। निखिल, हम भी चाहेंगे कि आप पीछे की तस्वीरों के जरिए ज़रा दिखाएं कि आखिर किस तरह से भोले के भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, और साथ ही घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं जो शायद जा नहीं पा रहे हैं चाहे कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, हम चाहेंगे कि न्यूज़ नेशन के जरिए वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन घर बैठे ही कर पाएँ। बिल्कुल, ये राजधानी लखनऊ के मनका महेश्वर की तस्वीरें हैं। तमाम जो यहाँ पर भक्तगढ़ हैं वो पहुँच गए हैं दर्शन के लिए। सुबह 4 बजे से इसी तरह से पंक्तिबद्ध हैं लोग, और लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि आखिर बाबा का दर्शन कब मिलेगा। अगर आज की हम बात करें तो आज जो है यहाँ पर भोले बाबा को दूल्हे के रूप में सजाया गया है, उन्हें उनका विशेष श्रृंगार किया गया, खास करके जो पगड़ी लगाई गई है वो नगों से जड़ी हुई पगड़ी लगाई गई है। और आज यहाँ भोले बाबा जो है वो दूल्हा है, और बाकी जो भक्त हैं वो सब बराती हैं। लखनऊ के मनका महेश्वर की अगर हम बात करें तो हर बार सावन के पहले सोमवार को 3 से 4 लाख भक्तों की संख्या यहाँ पहुँचती है, और तमाम देखिए भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें दर्शन का मौका कब मिलेगा। लेकिन तस्वीरें लखनऊ की भी कुछ इसी तरह से हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, चूँकि कोविड संक्रमण इस दौरान भी चल रहा है, तो ऐसे में ये लापरवाही की तस्वीरें कम से कम भक्तों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, और जिस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे उसका उल्लंघन होता हुआ अभी दिख रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें मनका महेश्वर में अलग अलग गेट बनाए गए हैं, अंदर जाने के लिए दर्शनार्थियों के अलग गेट है और निकलने के लिए अलग गेट बनाए गए हैं। यही नहीं, जो है CCTV से लगातार इस बात की निगरानी भी की जा रही है कि कौन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा। मंदिर परिसर के अगर अंदर की हम बात करें तो वहाँ हर चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना। इसके साथ अगर गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, ऐसी व्यवस्था की गई गर्भगृह के बाहर से ही लोग जलाभिषेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों को और तमाम पूजा करनी है उनको उनका विशेष अपॉइंटमेंट गर्भगृह के लिए रखा गया। तो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, और सुबह से जो जोश है श्रद्धालुओं के मन में वो दिख रहा है। यहाँ पर लोग गाजे बाजे के साथ पहुँचे हुए हैं। आज चूँकि भोले बाबा की बारात का दिन आज यहाँ माना जाता है, तो लिहाजा उसी तरह से लोगों की भीड़ भी है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, और मंदिर का कपाट सुबह 4 बजे भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, जो देर रात तक दर्शन करना जारी रहता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वाराणसी की तस्वीर भी बाकी राज्यों की तरह ही रहती है, या फिर यूँ कहिए कि यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर क्या दिखाई दे रही है कि भोले बाबा की नगरी में दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है? किस तरह के इंतजाम, किस तरह के प्रबंध, और हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों के साथ आप हमारे घर बैठे दर्शकों को भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाएँ। देखिए वाराणसी की बात की जाए, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि भले ही कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में ना हो रही हो, पर भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। भक्त यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, लगभग 4 किलोमीटर लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। जो गर्भगृह है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वहाँ पर एंट्री के लिए 4 गेट बनाए गए हैं इस बार, ताकि आसानी से भक्त गर्भगृह तक पहुँचे और दर्शन करें, अर्घ्य के माध्यम से जल चढ़ाएँ और वापस दूसरे गेट से निकल जाएँ। हालाँकि इस बार
गर्भगृह के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए एंट्री नहीं मिली है, पर भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है, आस्था बहुत भारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि मास्क अधिकतर चेहरों पर लगे हुए हैं, पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना इसमें थोड़ी परेशानी जरूर है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है इस समय कि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो ट्रैफिक डायवर्जन है लगभग 1.5 किलोमीटर पहले से ही कर दिया गया है, और जो अनुमान किया गया था कि भक्तों की संख्या इस बार थोड़ी कम हो सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वाराणसी में जिस साल हर साल जो भक्तों की संख्या रहती थी वही संख्या इस बार भी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए जहां तक नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्त ही दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ PSC और पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है, जगह जगह CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, तो कोई कमी न रह जाए इसकी पूरी कोशिश की गई है। पर भक्तों की इतनी भीड़ है कि भक्तों को भी दर्शन करने के लिए एक लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए ये जो पूरा इलाका है यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये गैलरी है वो शुरू होता है, और यहीं से होकर के आगे गर्भगृह तक जाने का रास्ता है, और इसलिए 4 गेट भी इस बार बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।